फ्रेंड्स, क्या आपको पता है सिंपल दो इंग्रेडिएंट से ही हम घर पे ही मिल्क मेड जैसा कंडेंस मिल्क घर पे बना सकते हैं। इतना टेस्टी, इतना यम्मी कि आप देखकर रह ही नहीं पाओगे। तो कैसे बनाते हैं, इसके लिए चलिए हम देखते हैं रेसिपी। हे ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये जो कंडेंस मिल्क हमने घर पे बनाया है, इससे हम कई सारी व्यंजन्स, कई सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही, क्या बोलते हैं, सस्ते में ये घर पे बन जाता है। बाहर से लाते हैं तो ये पैकेट 150-200 का आता है। कितना महंगा पड़ता है हमें, और क्या पता वो पैकेट कब का हो। लेकिन घर पे तो हम फ्रेश बनाकर बहुत दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है घर पे। तो क्यों ना हम इसे घर पे ही बनाएं। तो ये घर पे बनाना तो बनता है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलकर बनाते हैं रेसिपी। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे लास्ट एफबी पेज के वीडियो का थैंक्स जाता है मीना पटेल, छाया पटेल, किम्पल पटेल, महेश पटेल, अक्षा पटेल, दीपक पटेल। और यूट्यूब के वीडियो का थैंक्स जाता है कुंज पटेल, वेद ब्लॉगर, आशीष पटेल। ये सब मेरे पेज के संग जुड़े रहे हैं, इसके लिए उन सबको थैंक यू, शुक्रिया अदा। मैं फिर से उन सबका धन्यवाद करती हूँ, वो सब मेरे पेज के संग जुड़े रहे और आगे भी ऐसे ही जुड़े रहेंगे, तो ऐसी मुझे आशा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलकर बनाते हैं रेसिपी। रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, भारी तले वाला कोई भी बर्तन ले ले, और उसके अंदर पहले हम 2 चम्मच पानी डाल देंगे या फिर बर्तन को धो कर ले लेंगे। और फिर यहाँ पे हमें फुल फैट मिल्क लेना है, जो भी हो आपके पास, गाय का या भैंस का या पैकेट वाला, जो भी हो फुल फैट लेना है। तो मैंने यहाँ 1 लीटर के करीब दूध ले लिया है, मेरे पास गाय का दूध है। हमारे घर में गाय का दूध यूज़ किया जाता है, तो हम नॉर्मली गाय का दूध ही यूज़ करते हैं। उसे मैंने इसके अंदर डाल दिया और हाई फ्लेम पर मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया, उसके बाद लो फ्लेम कर दी और उसके ऊपर ये चम्मच, मतलब कि ये चमचा बड़ा वाला जो है, मैंने रख दिया। और पूरा घर का काम जो मेरे को करना था, वो मैं इस प्रोसेस के दरमियान करती रही और बीच बीच में एक बार इस तरह से हिलाती रहती हूँ, देखिए। और ये जो बीच में आपको गोल्डन सा पार्ट दिख रहा है, वो नीचे जम गया था, वही है, वो मैंने जानबूझकर किया है, क्योंकि मुझे पर्सनली वो बहुत ही पसंद है। आप अगर एक बार बनाकर इस प्रकार से ट्राई करोगे ना फ्रेंड्स, तो सच बता रही हूँ, मज़ा आने वाली है। देखिए, बातें करते करते यहाँ पे हमने शुगर डाल दी है, 2 कप हमने यहाँ पर शुगर डालनी है। 1 लीटर के सामने हमें यहाँ पर 2 कप शुगर डालनी है। अगर 500 ग्राम लो आप तो 1 कप ही डालें, 200 ग्राम शुगर डालें। और 1 लीटर दूध लिया है तो 400 ग्राम क्या है कि कंडेंस मिल्क जो है आता है, या मिल्क मेड कहते हैं जो भी, वो बहुत ही मीठा होता है। तो यहाँ पे शुगर हमें जितना चाहिए वो हम डालेंगे। देखिए, शुगर यहाँ पे अच्छे से जाता है, तो शुगर को हमें यहाँ पे डालकर अच्छे से मिक्स करना है और इसे हमें अच्छे से उबालना है जब तक ये दूध आधा ना हो जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। आप अगर, आपके पास समय हो तो आप खड़े खड़े हाई फ्लेम पर इस प्रोसेस को कर सकते हो। जब भी हाई फ्लेम करें तो आपको इसे लगातार चलाना होगा, लेकिन मेरे पास समय नहीं था क्योंकि मुझे घर का काम भी करना था, तो मैं इस प्रोसेस को लो फ्लेम पर रख देती हूँ। ये पड़े पड़े अंदर ही उबल जाएगा, उसके ऊपर ये एक बड़ा वाला चमचा रख देंगे या कोई भी इस तरह का बर्तन रख देंगे, तो ये उबल कर बाहर कभी भी नहीं आएगा। ये एक टिप्स है फ्रेंड्स दूध उबालने की, या दूध जब भी आप घर पे गर्म करने रखो तो इस प्रकार से एक बर्तन ऊपर रख दो, तो वो दूध अंदर ही अंदर उबलेगा, लेकिन वो उबल कर बाहर कभी भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से मैंने दूध को अच्छे से उबाल लिया है। देखिए, इसका थोड़ा कलर भी चेंज हुआ है, और नीचे की ओर ये जो पपड़ी बनकर निकल रही है ना, ये बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। ये एक बार आप चख कर देखना। वैसे अगर आपको नहीं चाहिए तो आप हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए कुक कर ले, और अगर आपको पसंद है तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। और उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देनी है। जब ये आधा दूध आधा हो जाए तब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर कर 2 चुटकी यहाँ पे हमें सोडा डालना है। इससे होगा क्या कि इसका कलर तो चेंज हो ही जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा, और साथ में हमारे ये मिल्क मेड या कंडेंस मिल्क जो भी आप बोलो, उसकी सेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। ये यहाँ पे प्रिजर्वेटिव का काम करेगा।
तो यहाँ पे हमें दो चुटकी सोडा डालना है और उसे अच्छे से हमें हिलाकर उसे अंदर मिक्स कर देना है। और इसके अंदर जो भी साइड में पपड़ी बनी होगी ये सोडा डालने की वजह से ये सारी अंदर उखड़ जाएगी। देखिए इस प्रकार से अच्छे से उखड़ जाएगी। तो इस प्रकार से आप स्पैचुला से सारी पपड़ी को साइड में से निकाल सकते हो और अच्छे से मिक्स कर सकते हो। मैं क्या करने वाली हूँ, लास्ट में इसके अंदर जो सारी पपड़ीज़ बनी हुई है ना वो मैं अलग से निकालूँगी अपने लिए खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, मुझे सच में बता रही हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है। लास्ट में ये सारी पपड़ीज़ मैं खुद खाऊँगी, किसी को नहीं देने वाली, इतना टेस्टी लगता है। जैसे अब हम घर पर बनाकर रबड़ी खाते हैं ना, शादियों में जो रबड़ी खाते हैं उसकी बात अलग है, लेकिन घर पे अगर हम रियल रबड़ी खाएंगे ना बनाकर, वैसा टेस्ट आता है इसका। तो इस प्रकार से हमने ये बना लिया। देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है ठंडी होने के बाद, देख सकते हो अब थोड़ा ठंडा हो गया है ये बैटर। तो अब इसे हम क्या करेंगे, इसके अंदर से जो पपड़ीज वगैरह है वो अलग कर लेंगे ताकि हम इसे लंबे समय के लिए स्टोर कर सकें। तो इसे मैं इस प्रकार से इसके अंदर स्टेन कर लूँगी और ये जो पपड़ीज इसके अंदर निकलेगी वो मैं अलग रख कर खुद एंजॉय करूँगी। इतना टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। और ये जो मिल्क मेड हमने बनाया है, या कंडेंस मिल्क आप कहो जो भी कहो, इसे एक कांच की बॉटल के अंदर भर के आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो फ्रिज के अंदर। और इसमें से आप बहुत सारी आइसक्रीम्स बना सकते हो, मिठाई बना सकते हो। और अगर अभी तो बर्फ़ का गोला चल रहा है, समर का समय है, तो बर्फ़ के गोले के ऊपर आप ये कंडेंस मिल्क डाल सकते हो, या फिर रबड़ी बनानी हो तो उसके अंदर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। वैसे आप लोग क्या क्या यूज़ करते हो बर्फ़ के गोले के अंदर, ये मुझे ज़रूर से बताएं। और अगर आप लोग ये कंडेंस मिल्क बनाते हो तो कैसे बनाते हो, या फिर आप घर पे बनाते हो या मार्केट से ले आते हो, ये मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए कितना गाढ़ा बन चुका है, वैसे ये गाय का दूध है फिर भी इतना गाढ़ा बना है। देखिए ये मार्केट का मिल्क मेड और ये हमारा घर का फ्रेश, कितना यम्मी है, देखकर ही आप इसे खाए बिना रह नहीं पाओगे फ्रेंड्स। ये फ्रिज के अंदर रख दोगे ना तो उसके बाद और भी गाढ़ा बन जाएगा। ये मैंने बाहर ही रखे हुए बताया है आपको, फ्रिज के अंदर रखने के बाद आप देखोगे ना फिर से तो बहुत काफ़ी ये गाढ़ा हो जाएगा। अभी ये थोड़ा थोड़ा गर्म भी है इसलिए थोड़ा पतला भी दिख रहा है, लेकिन फ्रिज के अंदर रखने के बाद ये बहुत ही गाढ़ा हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से बनाए, खाए और एंजॉय करें। और आप भी बनाते हो तो मुझे ज़रूर से कमेंट में बताएं कि आप लोग किस प्रकार से इसे बना रहे हो और क्या क्या इसमें से रेसिपीज़ बनाते हो, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। तो क्यों लाना बाहर से।